देखिए, अगर किसी पक्षी की चोंच टूट जाए तो वो भूखा मर जाएगा और वो बिना चोंच के कुछ भी नहीं खा सकता। लेकिन ईगल एक ऐसा पक्षी है जो कि अपनी जानबूझकर चोंच को तोड़ देता है। लेकिन ईगल ये जानते हुए भी बिना चोंच के भूखे मर सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी चोंच को क्यों तोड़ता है, आइए जानेंगे गजब की जानकारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एक ईगल 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है और ये अपनी नुकीली चोंच से बड़े से बड़े शिकारों को चीरफाड़ कर सकता है। लेकिन जब एक ईगल की उम्र 30 से 40 ईयर्स के आसपास हो जाती है, तब उसके पंख भारी हो चुके होते हैं और उसकी चोंच की शार्पनेस कम हो जाती है। इसलिए न ही ईगल ढंग से उड़ पाता है और न ही शिकार कर पाता है। और ईगल के मरने की नौबत आ जाती है, तब उसके बाद ये ऊंची चट्टान पर चला जाता है और पत्थर से मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। 3 से 4 महीना भूखा रहने के बाद उसकी चोंच नई आ जाती है और अब उस नई चोंच की मदद से वो अपने पुराने पंखों को उखाड़ कर फेंक देता है। फिर 2 से 3 महीने बाद उसके नए पंख आ जाते हैं और 7 से 8 महीने के इस दर्द भरे प्रोसेस से गुजरने के बाद ईगल फिर से आसमान में राज करने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, आपको कौन सा पक्षी पसंद है कमेंट में जरूर बताएं।